वाराणसी के लंका थाने से लापता छात्र के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए एसएसपी वाराणसी को तलब किया है, निर्देश जारी किया है कि 3 सितंबर को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ कोर्ट में हाजिर हों। इससे पहले 19 अगस्त को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वाराणसी के डीएम, एसएसपी और लंका थाना इंचार्ज को नोटिस जारी किया था और लापता छात्र के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी। आपको बता दें कि 12 फरवरी को लंका थाने से छात्र शिव कुमार त्रिवेदी लापता हो गया था और अब तक उसका पता नहीं चल पाया, जिसे लेकर अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने जनहित याचिका दायर की, जिस पर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुशांत मुखर्जी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे वाराणसी से जुड़ रहे हैं। सुशांत, जो लड़का गायब हुआ उसके बारे में क्या पुलिस बता नहीं पा रही है, और अगर लोगों को नहीं बता रही तो अब तो कोर्ट में बताना पड़ेगा। देखिए, अभी मेरी सर्कल अफसर से बात हुई है, जो उस पूरे इलाके के सर्कल अफसर है। सबसे पहला सवाल मेरा यह था कि शिव कुमार गायब हुआ उसके बारे में क्या जानकारी है, तो पुलिस ने यह कहा कि हम जांच कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, टीम बनाई गई है, गुमशुदगी लिखी गई है और हम टीम बनाकर उसे खोज रहे हैं। मैंने दूसरा सवाल किया कि उसके पिता ने यह कहा कि पुलिस की 112 नंबर की जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है वो उसे उठाकर ले गई। उस पर उन्होंने कहा कि थाने में एक युवक को लाया गया था, वो विक्षिप्त दिख रहा था, अब वो शिव कुमार था या नहीं था वो पुलिस को नहीं पता। अगर पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जो इस विक्षिप्त व्यक्ति की बात पुलिस कर रही है, आखिर वो युवक शिव कुमार हो ना हो पर वो भी युवक कहाँ है, उसके बारे में भी पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। यानी कि 112 नंबर की गाड़ी किसी को उठा कर लेके आती है थाने में और उसे विक्षिप्त बताया जाता है, और आज के डेट में वो युवक भी गायब है जिसे शिव कुमार होने ना होने का संदेह पुलिस जता रही है। तो इस पूरे मामले में पुलिस कहीं ना कहीं से फंसती हुई दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने सारे सबूत देखने के बाद अब एसएसपी को खुद वहां पर आने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि अगर इस मामले में हिला हवाली हुई तो पूरे लंका थाने को सस्पेंड किया जा सकता है और सीबीआई जांच की सिफारिश भी की जा सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये मामला गंभीर है, और एक पिता जो पिछले फरवरी के महीने से अब तक परेशान है अपने बेटे के लिए, लगभग 6 महीने हो गए, उस पर क्या बीत रही होगी। तो फिलहाल हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद अब पुलिस आनन फानन में उस युवक को खोजने में लगी हुई है। सुशांत, एक बात ये बताइए कि जो माननीय अदालत में होगा वो तो होगा, जो एसएसपी बताएंगे वो तो बताएंगे, उसके बाद माननीय अदालत को फैसला लेना है, लेकिन क्या पुलिस की लापरवाही और पुलिस की बदइंतजामी से लेकर सारी चीजें यहाँ नजर आती हैं क्या? बिल्कुल नजर आती है, क्योंकि जब ये लड़का गायब हुआ उसके बाद उसके पिता ने रिपोर्ट लिखवाई, उसके पिता ने सारे सबूत दिए कि 112 नंबर की गाड़ी उसे लेकर गई थी, उनके पास एसएमएस थे उस 112 नंबर की गाड़ी के, और बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर ने खुद लिखित रूप से दिया थाने में कि हमारा छात्र पुलिस द्वारा ले जाया गया, उसके बाद पुलिस उसके बाद उस छात्र का पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस दोनों ही बातों पर फिलहाल फंसती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो कहती है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लिए हैं, हम जाँच कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहती है विक्षिप्त युवक को लाया गया था थाने में, अगर वो यहाँ वहाँ से कहीं चला गया, वो शिव कुमार था या नहीं था इसके बारे में जांच होगी। अगर शिव कुमार नहीं भी था तो अगर कोई थाने में युवक को लाया जाता है तो थाने से कैसे वहाँ से वो गायब हो जाता है। इन सारे सवालों को पुलिस को अब देने पड़ेंगे, और पुलिस के लिए कहीं ना कहीं से पूरे जो अपने ही बयान है वो गले की हड्डी साबित होती जा रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा सुशांत, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उधर सोशल मीडिया पर इस दौरान लगातार खबरें चल रही, वो भी आपको बताएं, लेकिन फिलहाल वाराणसी पुलिस की बड़ी लापरवाही।